सरहदी तनाजा के हल के लिए भारतीय वजीर दिफा की चीनी हमनसब से मुलाकात, भारतीय आर्मी चीफ की भी बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप भी अपने दोस्त मुल्क को माफी दिलाने के लिए मैदान में कूद पड़े। चीन से मार खाने के बाद मोदी सरकार को हकीकत समझ आ गई है और वो सुलह सफाई पर उतर आई है। इस सिलसिले में भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी हमनसब से मॉस्को में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा कशीदगी कम करने पर बातचीत की गई है। भारतीय वजीर दिफा की अपने चीनी हमनसब से मुलाकात शंघाई ताबुन तंजीम के वजरा दिफा की कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खसूसी मुलाकात में लद्दाख बॉर्डर पर जारी कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू की गई है। दूसरी जानब भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने मगरबी हिमालय में हजारों फौजियों की तैनाती के बावजूद कहा है कि सरहद पर दोनों एटमी ममालिक की अफवाज कई महीनों से एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन चीन के साथ सरहद पर जारी तनाजे को मुजाकरात के जरिए हल किया जा सकता है, क्योंकि बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। उधर मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को चीन से बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के माबैन तनाजा हल करने के लिए मदद की पेशकश की है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में अमरीकी सदर ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब और तश्वीशनाक है, अगर हमसे कुछ मुमकिन हो तो मदद करने को तैयार है।